हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राजीव ब्लॉग इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। देखो यहाँ पर सभी अपने अपने गोत्र के वाला झंडा लेकर के अभी वहाँ शमशान घाट जाया जा रहा है। रोहतासगढ़ से अपना अपना जो वंशज थे गोत्र वाले, वहाँ पर अभी झंडा गड़ी करना है अपना गोत्र का। तो ही अपना गोत्र वाला झंडा के साथ जितना उस गोत्र के समूह है वो सब एक साथ लाइन लगा करके और चावल सब ले करके जाया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग सब जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, उस साइड जो उत्तर साइड में जो गेट है उस साइड में लाइन लगा करके सभी जाया जा रहा है। उत्तर साइड का जो गेट है दोस्तों वही उस साइड से ही निकलना है। मेन गेट में भी झंडा वहाँ सटा के ले जाया जा रहा है। देखिए यहाँ सभी अपने अपने गोत्र वाले, वहाँ मेन गेट है जो रोहतासगढ़ किला का, वहाँ भी झंडा सटा करके वहाँ से उधर देखिए उत्तर वाला जो गेट है उधर जाया जा रहा है। देखिए बहुत कोई आए थे। ये है रोहतासगढ़ किला जो बिहार में पड़ता है। उरांव लोगों का विरासत है, उरांव लोगों का सृजन यहीं से हुआ है। आदिवासियों में जो उरांव है वही लोगों का। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ अपने अपने गोत्र वाला झंडा यहाँ सटाया जा रहा है मेन गेट में। वही धर्मेश्वर, धरती माता, ये सब का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के सटाया गया। और आगे अभी इधर जाया जा रहा है। अभी कुंडी जहाँ पटकाता है, कुंडी बोलते हैं मर जाने के बाद, वहीं पर अभी जाया जा रहा है शमशान घाट तरफ। वहीं पर अभी चावल सब दिया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा भीड़ है। अभी सब अपना गोत्र का झंडा लेकर के आगे अभी जा रहे हैं। देखिए यही उत्तर साइड का गेट है, इधर से ही जा रहे हैं। अभी सभी बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। तीन गेट है, एक पूरब है और उत्तर और दक्षिण में गेट है। देखिए उधर से आ रहे हैं और इधर से हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। देखिए सब लाइन लगा करके जा रहे हैं, आगे पीछे बहुत कोई लोग है। देख सकते हैं दोस्तों, अपने गोत्र को जो अपने गोत्र है उसी के वही झंडा के पीछे रहना है, उसी के साथ साथ चलना है। देख सकते हैं ये कुंडी जहाँ पटकाता है उसी के लिए पानी सब लिया जा रहा है। और देख सकते हैं कितने लोग हैं, अभी सब लाइन लगा के जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, और कुछ देर में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अभी सब पैदल ही जा रहे हैं, कम से कम यहाँ से 2-3 किलोमीटर है दोस्तों। 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेंज में है यहाँ, उतना दूर है अभी रोहतासगढ़ किला से। वहाँ जहाँ कुंडी, यहाँ शमशान घाट है, वहाँ कुंडी पटकाया जाता है मर जाने के बाद। वहीं अभी जाया जा रहा है। लगभग पहुंच ही गए हैं दोस्तों, वही आसपास पहुंच गए हैं। देखिए इधर जो ढलान एरिया है यही है शमशान घाट, और इधर ही पुराने वंशज के लोग जो पुराने रोहतासगढ़ किला में जो हमारे वंशज रहा करते थे, इधर ही जलाया जाता था या दाह संस्कार किया जाता था। अभी यहाँ प्रार्थना किया जा रहा है सभी को, प्रार्थना और भजन किया जा रहा है सभी को द्वारा। उसके बाद अपना अपना झंडा गड़ी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अपना झंडा गड़ी हम लोग कर रहे हैं। देखिए पत्थर के माध्यम से यहाँ झंडा गड़ी किया जा रहा है। देखिए सब अपने अपने गोत्र वाले वहाँ झंडा गड़ी कर रहे हैं।
और जैसे कुंडी लाया जाता है वैसे पूजा पाठ वहाँ पर किया जाएगा। चावल सब सिंदूर जो भी है अच्छा सब फूल सभी सब दिया जाता है, पैसा वैसा थोड़ा। उसके बाद हाँ देखिए देख सकते हैं इस तरह का पूजा किया जा रहा है। जो पूर्वज मर गए हैं उसी का आत्मा के शांति के लिए दिया जाता है सब। देखिए एक दूसरे का हाथ धर के वहां पर कुछ कुछ अर्पण किया भी जा रहा है। देखिए जल चढ़ाया जा रहा है। फिर अरवा चावल सब सिंदूर पानी सब दिया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है। जो पुराने मर गए हैं वंशज उसके आत्मा के शांति के लिए। देखिए वहाँ चावल पैसा दाल और सब जो दिया जाता है वो घड़ा में भरा जा रहा है। देखिए और चावल बांटा जा रहा है फिर छिटने के लिए भी हाथ के माध्यम से भी चावल दिया जाएगा। देखिए सब हाथ थोड़ा प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, घर में सरस्वती माता सबका। देखिए दोस्तों अब सब काम क्रिया हो गया है, अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं। वहाँ से गाड़ी पकड़ कर कभी हम लोग चले जाएंगे अभी अपना घर। देखिए रोहतास गिला पहुँच गए हैं दोस्तों, इधर सीधे गाड़ी पकड़ कर हम लोग अपना घर के और निकलना है, अभी निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों फाइनली अब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। देख सकते हैं ये लगभग 30 किलोमीटर है, 25 से 30 किलोमीटर ऊपर है ये रोहतासगढ़ किला। 2-3 घंटा लगता है यहाँ चढ़ने में। देख सकते हैं रास्ता कैसा है, एकदम पूरा कच्ची रास्ता भी बन रहा है। अभी अभी ये जस्ट रास्ता बन रहा है दोस्तों, ये 1-2 साल के अंदर में ये सब इधर कुछ कुछ जगह बना हुआ है, गिट्टी बिछाया गया है। ये देखिए पक्की सड़क का निर्माण अभी किया जा रहा है। रात में इधर आए थे चढ़े थे दोस्तों बहुत ही दिक्कत से। देख सकते हैं कितना कच्ची रास्ता होके वहाँ पहुँचे थे रात में। लग रहा था अनजान रास्ता में जा रहे हैं बट पहुँच गए थे। अब इधर कुछ रास्ता इधर ठीक है, इससे थोड़ा फास्ट जा रहे हैं।